नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में गणेश चौराहा से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक दुकान के सामने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा महानगर में हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए गणेश चौराहे से लेकर विश्वविद्यालय चौराहा तक अभियान चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है। इसमें जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया है उनसे बातचीत भी की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि जिससे वह खुद अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो प्रशासन खुद खाली करवाएगा। उन्होंने कहा, दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर कैंट उप निरीक्षक अवधेश चंद्र मिश्रा, सुधांशु सिंह सहित अन्य नगर निगम प्रवर्तन दल के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा एवं नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह ने कहा, ये गाड़ियां किसकी हैं? कहां गए वो? इसको भी करो। मैं साथ साथ चल रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब चल रहे हैं, हम लोग सुबह से लगे हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। पीछे कुछ शिकायतें आई थी कि हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, इनको पर्याप्त मौका दिया गया है और इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। जो डीएम साहब ने हम लोग को आदेश दिया है कि इसको व्यवस्थित भी करना है और कमर हटाना भी है और पुनः ना हो उसको उस पर एम्फेसिस करना है। तो वो लोकल चौकी इंचार्ज हमारे साथ साथ में दोनों चल रहे हैं, वो साथ साथ उसका, क्योंकि वो लोकल कस्टडियन है। हम लोग, मैं और अजीम साहब या जो भी है, एक बार करेंगे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो डीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और कप्तान साहब ने भी क्लियर कर दिया है। ये नियमित रूप से जो नगर निगम स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नगर में अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के दृष्टिगत आज यहाँ पे गणेश चौराहे से लेकर यूनिवर्सिटी चौराहे तक ये अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया उनसे बातचीत भी की जा रही है, उनको समझाया भी जा रहा है और उनको व्यवस्थित भी किया जा रहा है, जिससे शहर में पुनः अतिक्रमण ना हो पाए। नहीं, उनको बताया गया है कि चौकी इंचार्ज को इसके संबंध में उनका नाम लिखा जा रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनको एक जगह व्यवस्थित भी कराया जा रहा है। अगर उस व्यवस्थित जगह के अलावा पुनः वो अतिक्रमण करते हैं तो उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।